करोड़ों का ये जन सैलाब उमड़ा है भोजपुरी के महानायक रवि किशन की झलक पाने के लिए। छोटे बड़े पुरुष महिला हर कोई रवि किशन की झलक पाने को बेचैन था। रवि किशन को चाहने वाले उनके दीदार के लिए छत से लेकर सड़क तक पटे पड़े थे। रवि किशन के आते ही शुरू हो गई नारेबाजी। दरअसल रवि किशन पहुंचे थे वार्ड क्रमांक 3 से कांग्रेस के बागी उम्मीदवार चौथी प्रसाद गुप्ता के प्रचार के लिए, जहां उन्होंने चौथी प्रसाद गुप्ता के लिए लोगों से वोट मांगे। गुप्ता जी बहुत अच्छे इंसान हैं और इनको मैं पर्सनली जानता हूं, तो इसीलिए मैं इनके लिए खास आया हूं शूटिंग छोड़कर, और मैं चाहता हूं कि अच्छे नगर सेवक रहें। जो भी इंसान अच्छा काम करता हो या जिसकी जिसके इरादे अच्छे हों, उसको हमेशा साथ देना चाहिए। बता दें कि चौथी प्रसाद गुप्ता कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने वार्ड क्रमांक 3 से टिकट मांगा था। कांग्रेस से टिकट न मिलने पर वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस ने चौथी प्रसाद गुप्ता को पार्टी से निकाल दिया। इस बार लोगों का मूड है मुंबई में और हर वार्ड पे, और 3 नंबर पे स्पेशली मूड है लोगों का कि स्थानीय उम्मीदवार को ही जिताना है, और हम लोग लोगों में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लोगों का सेवा हमेशा कर रहे हैं, इसलिए जनता इस बार स्थानीय उम्मीदवार को लेकर आ रही है और गैस सिलेंडर पे ही मोहर लगाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रवि किशन अभिनेता के साथ साथ खुद कांग्रेस के नेता भी है, ऐसे में उनका पार्टी से बगावत करने वाले प्रत्याशी के लिए प्रचार करना उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। रवि किशन भले ही इस प्रचार के पीछे व्यक्तिगत रिश्ते की दुहाई दे, लेकिन कांग्रेस को इससे यहां पर होने वाले नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मुंबई लाइव।